नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। फर्जीवाड़े को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नागरिक आपूर्ति निगम रीवा में कर्मचारियों की फिर मनमानी सामने आई है। इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा बिना अनुमति अपर कलेक्टर का डिजिटल साइन से आदेश जारी करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी होने पर अपर कलेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए दो दिन में जवाब मांगा है। साथ ही इस कृत्य को सिविल सेवा संहिता के विपरीत व स्वेच्छाचारिता करार देते हुए कार्यवाही की भी चेतावनी दी है। यह वही कंप्यूटर ऑपरेटर है जिस पर अभी भोपाल टीम की जांच में मनमानी तौर पर कुछ चिन्हित मिलरों को धान का आवंटन जारी करने व रैक परिवहन में गड़बड़ी का आरोप लगा है। दरअसल नागरिक आपूर्ति निगम जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी को हटाए जाने के बाद यह प्रभार अपर कलेक्टर रीवा सपना त्रिपाठी को सौंपा गया था। एडीएम सपना त्रिपाठी ने 8 अप्रैल को प्रभार ग्रहण कर सुविधा की दृष्टि से नान के वित्त प्रबंधक टीपी डेहरिया व लेखपाल संजय सिन्हा के अनुमोदन पर कंप्यूटर ऑपरेटर 5 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विनोद सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने 19 अप्रैल को फिर एक आदेश जारी कर नान के उपरोक्त अधिकारियों को डिजिटल साइन का उपयोग सुविधा के अनुसार करने व साथ ही किसी गड़बड़ी के लिए टीपी डेहरिया व लेखपाल संजय सिन्हा के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद सिंह को जिम्मेदार होने को कहा था। कोई भी नोट शीट वित्त प्रबंधक के अनुमोदन के बाद ही करने को कहा था, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद सिंह ने बिना किसी अनुमति के आदेश जारी कर दिया। लिहाजा अपर कलेक्टर ने ऑपरेटर विनोद सिंह को नोटिस जारी किया है। आदेश में उल्लेख है कि आपको वित्त एवं डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करने संबंधित समस्त कार्यों हेतु टीपी डेहरिया वित्त प्रबंधक सहायक वर्ग 3 नागरिक आपूर्ति निगम रीवा के देखरेख में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है और यह भी निर्देशित किया गया था कि नियम विरुद्ध कोई कार्य आपके द्वारा नहीं किया जाए, परंतु आपके द्वारा बिना नोट शीट पर अनुमोदन लिए ही डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जा रहा है। इस कृत्य से यह प्रतीत होता है कि अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेश निर्देश के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होकर कार्य के पालन में अशिष्टता एवं अपने पदीय संव्यवहार में विलंबकारी व कार्यनीति का सूचक है। जिसके बाद अपर कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।